धन कमाना चाहिए, पर धन इस भाव से कमाओ कि हमें धन मिलेगा तो हम धर्म में लगाएंगे, तब विधाता धन भी ज्यादा देते। सत्यनारायण भगवान की कथा आपने शायद कभी सुनी हो। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक सब्जेक्ट आता है, एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का चैप्टर प्रसंग है। एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा बाहर रखा और पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है। तो अंदर से पंडित जी ने प्रसाद दिया, बोले हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। तो लकड़हारा बोला क्या ये कथा मैं भी करा सकता हूँ। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल आप भी करा सकते हैं। तो लकड़हारे ने कहा तो ठीक है। उसने प्रसाद लिया, पंजीरी प्रसाद ली, चरणामृत लिया, पंचामृत लिया और लकड़ी का गट्ठा सिर में रख के चला बाजार में। उसने सोचा कि आज लकड़ियां बेचने के जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि उस दिन उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए, दुगने। कथा सुनूंगा मतलब धर्म करूंगा। जब आप धन को धर्म के लिए कमाते हैं तो स्वाभाविक है कि धन बढ़कर ही आएगा आपके घर में। और जब आप, इसलिए कहता हूं कि आप जो भी कमाओ पहले ही भगवान से कह दो विधाता मुझे जो मिलेगा मैं उसका 10% आपकी सेवा में लगाऊंगा, वृद्धमाओं की सेवा में लगाऊंगा, अन्य क्षेत्र से जोड़ूंगा। जब आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से अन्य क्षेत्र से अपने धन को जोड़ने का संकल्प लेके कमाएंगे तो मुझे विश्वास है कि भागवत जी भगवान जी आपकी कमाई को दुगना कर देंगे।